हाय, मायसेल्फ सैंडी। नाम नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि आप मुझे संदीप के नाम से जानती हैं और हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, तो मैंने सोचा यूं ही सही। लेकिन हम तो पहले एक बार मिल चुके हैं ना, अगर आपको याद हो तो। वहां तो सब लोग साथ में थे और हम दोनों दूर दूर। आपकी मम्मी ने मुझे आते ही बता दिया था कि आपको घर में सब सैंडी बुलाते हैं, और तुम भी वही बुलाना, आपको अच्छा लगेगा। तो आपको पता लग गया। हाँ भाई सैंडी, बाहर टेबल पे दूध रखा है, उठा लियो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तेरी तरह। चुप बे, ये साले दोस्त भी ना कमीने होते, कभी भी कुछ भी बोल देते। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। क्या है ना नानका जी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप दिल्ली की और मैं धनबाद का। मैं नहीं चाहता कि आज की रात को आप याद करके बोलें कि कितना चंपू लग रहा था मेरा पति। हैं, आखिर यादें भी कोई चीज होती है। क्यों अनामका जी, आज की रात को हम दोनों मिलके एक यादगार रात बना देंगे। ये साला कहाँ गया? यही तो रखा था। अरे यार, अरे ये सैनिटाइजर है। क्या करूं, मुझे मेरा डीओ नहीं मिल रहा। तो मेरा यूज कर लीजिए ना। अरे खुशबू तो इसमें भी अच्छी है, आप ट्राई कीजिए। खैर रहने दीजिए, आपको मजा नहीं आएगा। वैसे अब इस सब की जरूरत क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चलिए शुरू करें। क्या सेक्स? अरे रे, 1 मिनट रुकिए, ये तो मैं भूल ही गया। एक लीजिए। ये क्यों? लौंग, इसे खाने से दांतों में दर्द नहीं होगा। इसे दोनों तरफ मसूड़ों में फंसा लीजिए। लीजिए लीजिए। मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। आपके भी पेन है क्या? आप कोई दवाई ले लीजिए ना। अरे यार, लगता है आप समझे नहीं, सेक्स करते हुए ना दांत भीच से जाते हैं, सब कुछ आराम से हो जाएगा। लीजिए लीजिए। मुझे आपने पहले कभी किया है? मेरा तो फर्स्ट टाइम है, इसलिए तो इतने सारे प्रिकॉशन लेगा। लेकिन सच कहूं तो मेरी फटी पड़ी है। सच में? सच्ची, आपकी नहीं फटी हुई? सॉरी, मेरा मतलब गलती से बोल दिया। मेरा तो जो होना था हो गया, मेरी क्यों फटेगी? मतलब आपको अब इसकी जरूरत नहीं है। अरे सैंडी का लूटा चुप भोसड़ी के।
पापा को बोला था कि अच्छे से मिल लेते। अरे वो भी तो ढीठ निकले। साला मिला अभी तो सेकंड हैंड माल मिला। मैं सेकंड हैंड माल हूं? ऐसा है तो आपको किसी कोठे पे चले जाना चाहिए। जाइए, आप अभी जाइए, जाइए। चले जाएंगे, जाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। आपने सिर्फ सेक्स के लिए शादी की थी? शादी तो करनी ही थी ना, और सेक्स भी तो करना होता है। सेक्स बिना शादी? कितनी अजीब बातें कर रही हैं आप। मैं अजीब बात कर रही हूं? सारे मोहल्ले वाले भी यही कहते हैं, इस चंपू को कौन अपनी लड़की देगा। हो गई है ना शादी, मिल गई है ना लड़की, वो भी इतनी सुंदर। हैं? तो मैं क्या कम हूं जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही हैं आप? इसमें बेइज्जती की क्या बात है, जो है सो है, जो दिख रहा है वही तो बोलूंगी ना। हद है यार, आप तो मेरे मुंह पे ही मुझे पेले जा रही हैं। हद है। संदीप जी, मैं ऐसी ही हूं, अंदर बाहर एक सी। मैंने आपको अपना वो सब बताया, कुछ छुपाया नहीं है। भाई आप माला माल हो, तभी तो मुझ जैसे को फंसा लिया। सोचा कि इस चंपू को कौन इतनी सुंदर लड़की देगा, ये मिल रही हैं इसी को लपक लो। लपक लिया बुड्ढे ने, मौका चूका नहीं, लपेट दिया लड़के को। वैसे एक बात बताइए, आपने जिसके साथ सेक्स किया उसके साथ शादी क्यों नहीं की, मेरे साथ क्यों? अगर मैं आपको ना भी बताती तो आप क्या कर लेते? आपको भनक तक नहीं लगती? अभी तो आप कह रहे थे अनामिका जी हम इस रात को यादगार रात बना देंगे। ये यादगार सुहागरात? अरे सुहागरात में अगर सच ही ना हो तो ये सुहागरात? संदीप जी, आप चाहते थे ना कि मैं आपको एक चंपू की तरह याद ना करूं, तो मैं भी नहीं चाहती हूं कि मैं इस रात को एक झूठी शुरुआत की तरह याद करूं। यही तो यादगार सुहागरात है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दिल्ली की लड़कियां दिल जीतने में माहिर होती हैं। और हम साला धनबादी चंपू क्यों रह जाते हैं? आपके पापा ने मेरे पापा से कोई भी डिमांड नहीं रखी। वो तो मैंने ही उनसे बोला कि सब कुछ अपने बेटे को यानी कि मेरे छोटे भाई को ही देंगे क्या, मेरा भी तो कुछ हक है उन पर। अनामिका जी कसम से पटाखा हुआ आप, एकदम से धमाका कर दिया मेरे पे। अब ये बम कहीं और मत गिरा देना, वरना गृह युद्ध होने से मैं भी नहीं बचा पाऊंगा आपको, और फिर हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। सच में आप सिर्फ चंपू ही नहीं हो, बहुत ही बड़े वाले चूतिए भी हो। कैसे? आओ बेड पर बताती हूँ, चलो शुरू करते हैं। चलो। वैसे आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने उससे शादी क्यों नहीं की। अरे
रहने या नाम का जी रहने दीजिए, कुछ और नहीं कहा। आपका इतना कहना बड़ी काम कि अगर आप मुझे ना भी बता दी तो नहीं। आपने तो जी भर के पी ली, मुझसे पूछा भी नहीं। चलो छोड़ो, वैसे एक बात बताओ, कोई अपनी बीवी को माल बुलाता है क्या? सॉरी, पर मैंने माला माल भी तो बोला था।